अभी हमारी जो पहचान थी किसी की बीवी या फिर बहू के नाम से हमें जाना जाता था, लेकिन उन्होंने एक ड्रो दीदी का जो हमें नाम दिया है, तो इससे हमारे पूरे गांव में, हमारे स्टेट में हमारी पहचान बढ़ा दी है उन्होंने। तो हम उनसे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। शब्द ही नहीं है क्या बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो एक सपना, हम तो ड्रीम सोच रहे हैं कि सच में मोदी जी हमें सम्मानित करेंगे। नमस्ते जी। जो हम स्प्रे कर रहे हैं सर, इससे किसान को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। हमारा किसान बहुत खुश है सर, क्योंकि सर उसका जो वो काम 2 घंटे में कर पाता था खेतों में स्प्रे टंकी टांग के, और जो लेबर का कॉस्ट होता था सर, उसका काम इसने बहुत हल्का कर दिया है। एक तो किसान के समय की बचत हो गई है, दूसरा उसका लेबर का कॉस्ट भी घट गया है। आपका अपना बताइए, आप कैसे उसको शुरू किया, कैसे आपका परिचय आया, कितने समय में सीखी और अभी कितना काम मिल रहा है आपको? वो ड्रोन डेस्टिनेशन है जो मानेसर में, वहाँ से हमने इसका ट्रेनिंग लिया सर। फिर उसके बाद सर जब हम गांव में गए तो लोगों को, लोग बड़े ही उत्साहित हैं सर। मैं इसके बारे में हमारे गांव के किसान भरोसे केंद्र के माध्यम अधिकारी के माध्यम से हमको पता चला है। उसके बाद हमको कोरमंडल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने हमको ट्रेनिंग दिया गया है। कितने दीदी ट्रेन हुए हैं? 200 सर। 200? मुझे ट्रेनिंग सर फूलपुर में इफको द्वारा दी गई थी। 15 दिन की सर ट्रेनिंग हुई है और मुझे ड्रोन मिल चुका है सर, आयोटेक का एग्रीबोर्ड ड्रोन मिला है सर, उससे काम कर रहे हैं सर। किसान बहुत खुश है सर, बहुत अच्छा काम करता है ये। इसको संभालोगे कैसे आप लोग, कभी जरूरत पड़ी रिपेयरिंग वगैरह की तो कैसे करोगे? सर वो हमें बताया गया है। बताया गया है। तो आपकी पहचान क्या है वो गांव में? पायलट की है? जी सर। पायलट है कि नमो ड्रोन दीदी है? ड्रोन पायलट है सर। मैं जे एंड की बड़गाम से आई हूँ सर। मुझे ये NRLM से पता चला ड्रोन पायलट का सर, वहाँ पे बहुत खुश है लोग, बोल रहे हैं हमें हमारी हेल्प हो जाएगी इससे। लोगों ने देखा आपको ड्रोन उड़ाते हुए? हाँ। तो किसी खेत में काम भी किया क्या? नहीं सर, अभी हमारी ट्रेनिंग ही चल रही है। अभी ट्रेनिंग चल रही है। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम निकालेंगे हमारे लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ सर, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक आ पहुँचूंगी, और जब आज मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ पे आके भी ये लग रहा था कि शायद मैं पीछे हूँ, क्योंकि मैं चलते टाइम सबसे पीछे रह जाती हूँ, कोई बिलीव करे या ना करे। लेकिन मैं मोदी जी से खुद मैंने बात की है, मैंने उनको बिल्कुल करीब से देखा है, जाना है, बात की है। उनका मैसेज ये था कि जो हमारी महिलाएं वो भी आत्मनिर्भर बने, वो भी अपनी आजीविका चलाएं और बहुत अच्छे से किसी ना किसी मतलब योजना में आकर सभी बहनें काम करें।